जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सिंपलीफिकेशन के दो ठो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जिसमें पूछा है कि पी के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल केवल आप 4-5 सेकेंड में हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हल करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक आपको बताता हूँ। जैसे कि इस सवाल को जानने के लिए आपको कम से कम दो फार्मूले आने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला होता है AQ - BQ, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में A - B और दूसरा कोष्टक में A² + B² और प्लस में AB। एक फार्मूला और होता है AQ + BQ, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में A + B और दूसरी कोष्टक में A² + B² - AB। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पे प्लस होता है, अगर प्लस वाला रहेगा तो यहाँ पर माइनस होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूँगा कि ध्यान दीजिए, ऊपर है AQ + BQ और नीचे है A² + B² - AB, तो इसको भाग देने पर कितना आंसर आएगा? तो आपको पता है कि जब इसको आप फार्मूले पर खोलेंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं A + B और एक ठो A² + B² - AB आएगा, तो A² + B² - AB से कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा। ये आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि AQ + BQ है और बट्टा में क्या है, बट्टा में है A² + B² और माइनस में कहीं ना कहीं AB रहा होगा। क्या रहा होगा? AB रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर AB करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे AB के स्थान पे P है। अब समझिए, जो AB है कितना, AB, अगर AB यहाँ सेम टू सेम होता तो कहने का मतलब कि ये वाला जो है ऊपर से कट गया होता। जब ऊपर से कटा होता तो A + B बचा होता। अब ये आप देखिए कि जो A + B है, क्या ये वाला 24 के बराबर है? तो आप देख सकते हैं कि 17 और 7 जोड़ेंगे तो 24 ही हो रहा है। मतलब इससे ये कन्फर्म हो जा रहा है कहीं ना कहीं जो P है AB के ही बराबर है। क्यों भाई? अगर AB के बराबर हुआ होगा तो ऊपर नीचे कट गया होगा AB वाला से AB वाला, यानी कि ये पूरा से ऊपर कहीं ना कहीं ये वाला आया होगा तो कट गया होगा। जब कटा होगा तो 17 और +7 यानी कि A + B ये वाला बचा होगा। अब हमने देख रहा है यहाँ पे कि AB का मान 24 आ रहा है, तो 24 ही बच रहा है, तो P कितना होगा? जो P होगा कहीं ना कहीं 17 × 7 होगा, यानी कि P का मान 17 × 7 = 119 होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए AQ - BQ वाला है और नीचे है कितना, नीचे है A² + B² + AB, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि AB रखने पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 6 है, 6 गुणा में है, अगर आप इसको बट्टा में लाएंगे इधर तो 6 से कट जाएगा 66, तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हल करने पर 11 आना चाहिए P के स्थान पर अगर AB होगा तो। तो अगर P के स्थान पर AB रखेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वाला कटा है तो इस तरह से ऊपर वाला कटा होगा। जब ऊपर वाला कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, A - B बचेगा, और A का मान 15 है और B का मान 4 है। जब 15 में 4 घटेगा तो 11 बच जाएगा। तो AB रखने पर ये वाला पूरा संतुष्ट हो जा रहा है सवाल, तो P का मान AB ही होगा। अब P बराबर कितना होगा, A का मान 15 और B का मान 4, यानी कि 15 × 60 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यदि समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।